लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। एआई तकनीक से लैस है अटल सेतु। ये जो प्रोजेक्ट है, इसे सारे एक्सपर्ट्स जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा, 22 किलोमीटर, दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। इधर हम उधर तुम, इसके पीछे कई कारण हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इंडिया ने धमकियां दी। अनदर साइन ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कहां हम कहां वो। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। 2047 तक, उस वक्त तक 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है, उसमें तो ये लाहौर भी आता है, इस्लाम कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की बात, अखंड भारत, भारत ने कर लिया। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी। जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी, एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट, और आपके सिटीजंस को कोई इज्जत की नजर से देखेगा। मुल्की पॉलिसी ये है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो अपनी सिविलाइजेशन को सबसे आगे रखते हैं। मंदिर गिरा के मस्जिदें क्यों बनाई? एक्चुअली वो मुगलों का जो मुगलों की दुश्मनी आप इन लोगों से ली जा रही है ना, मुगलों की दुश्मनी है। जो बाबरी मस्जिद थी वो मुगलों ने गिराई होगी, हमें नहीं पता, मुझे उसकी मंदिर गिरा के बाबर ने मस्जिद बनाई। वो किसी ने मंदिर देखा तो नहीं निकल आया, अभी वो भी यूट्यूब पे निकाल दूंगी। उन्होंने सब डाला हुआ, क्या कर रही है, जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है तो वो मंदिर क्यों नहीं लगा? फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल एंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिकी, अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर अच्छा, मस्जिद अच्छा बन गया था ना। हाँ। कितने अरसे से बाबरी मस्जिद थी? हाँ। कितने अरसे थे? बहुत से, ठीक है। हाँ। उसकी जगह पे जब उनको जगह मिल रही थी, एक इंसान की कोई भी, आप किसी भी मजहब में, ख्वाह वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ब्राह्मण था, क्या उनका मतलब जो इजाजत देता था कि एक मस्जिद को गिरा के? तो हमारा देता था मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाए। अच्छा गलती तो मुगलों की थी तो वो ठीक कर दी ना गलती, उन्होंने मंदिर बना दिया। नो 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 नो, और सोने के, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर, जी मैं बता रही हूँ, मंदिर जो है का छोड़ के हीरे का भी लगाएंगे ना, आपको भी हिस्ट्री का पता, सारी दुनिया मुझे सही वाला पता, फिर मुझे भी सही वाला पता। हाँ। क्यों, मैं भी मीडिया से तालक रखता हूँ, तो फिर गलती नहीं करनी, सही सही बात। मैं जो सही बात कर, यहाँ पे हमारे कितने मंदिर है पाकिस्तान के अंदर? 428 थे जिसमें 18 रह गए। कहाँ 18 रह गए? 18 रह गए, ये भी गूगल करके दिखा दे तू कसम से, ये देखें ये देखें। नहीं मैं आपको घुमा कर मैं कहूँगी ना, आपको यकीन नहीं आएगा। रुक जाए, जगह पे चले जाए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे थे हिफाजत करने के लिए कोई हिंदू नहीं बचा सिंध के अलावा। सिंध में भी बेड़ा गर्क कर दिया ना? नहीं नहीं, सिंध वालों ने उन्होंने खुद किया, किसी ने नहीं किया। ये मोहम्मद भेजना हमारा काम है या उसका भी थोड़ा बहुत बनते हैं? मोहम्मद मैंने कहा दूध ना ना कैमरे में आ जाए, मैं आपको गूगल से दिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है, बताएं किस चैनल से? ये देखें, ये देखें, एक मिनट प्लीज, ये देखें, ये आप पढ़े पाकिस्तानी चैनल से जाएंगे ये चैनल? मैं पाकिस्तान के, आपने कहा इन्होंने क्या कहा कि मंदिर पड़े हैं, अब गूगल में आपको क्या आ रहा है ये देखें। मैंने बताया कि 18 रन हमारे लाहौर के अंदर 3 बड़े, बहुत जबरदस्त मंदिर बड़े, और दोबारा उनको दोबारा तमीर। सर अच्छी बात है, हिंदू भी हमारे पाकिस्तानी भाई है, हाँ वो हमारे भाई है, हिंदू हो सिख हो वो हमारे सार आंखों पे है, लेकिन जो पॉलिसी थी ना बड़ों की उसको भी समझे, ठीक है। कैद आजम ने बेहतर समझा, अगर ये मुल्क ना बना होता तो वो जो मुसलमानों का वहाँ हाल है ना, हमारा भी आने वाली नस्लों का भी वही हाल होता। सर मुझे समझ नहीं आती, जो भी पाकिस्तानी से बात, आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप फट से रोना रोते हैं इंडिया के मुसलमान, कोई एक इंडियन मुस्लिम आया कि मैं बड़ा वहाँ पे मारा मारा फिर रहा हूँ, बहुत लाचार हूँ, मुझे पनाह दे दो, कोई यहाँ पर कैंप ही दिखा दे? बिल्कुल आए भी हैं, एक मिनट, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर देखिए उनके साथ होकर माने इस चीज को, जो देखती हूँ वो तो आपकी सोच से भी परे। अच्छा, लैपटॉप ले रहे हैं, हार डाल रहा है,
मोदी सोने के आ रहा डाल रहा उससे भी ज्यादा तालीम दे रहा है। तालीम जो शिवसेना बनी है वो किस लिए बनी है, शिवसेना तंजीम जो बनी है वो किस लिए बनी है, ग्रेटर ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है, उसमें तो ये लाहौर भी आता है, कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए अखंड भारत, ये अखंड भारत का कहां से आ गया बीच में। 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, The longest sea bridge, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 hours ट्रेवल को 20 minutes में चेंज करने जा रहा है, यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली, एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काईलाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रेवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काईलाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर।